हेलो व्यूअर्स, नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलता रहा है। आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। और जैसा कि मैं आप लोगों के लिए पीछे से वीडियो बनाता हुआ आया हूँ, आज उसी संदर्भ में मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो कि काफी यूजफुल है। ये उन लोगों के लिए है जो कि ऑलरेडी अटेंडेंस शीट को मेंटेन करते हैं किसी कंपनी के अंदर, और अटेंडेंस शीट से रिलेटेड ये एक अच्छा वीडियो है। आप इसको देखिए कि इसके अंदर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करने जा रहा हूँ और ये डायनेमिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग है किस तरीके से काम करती है। तो ध्यान दीजिएगा कि मैं इसमें क्या करने जा रहा हूँ। तो सपोज कीजिए कि मुझे 1/1/2020 से लेके 31/12/2020 तक के लिए एक अटेंडेंस शीट बनानी है, जिसके अंदर की मुझे डेटा वैलिडेशन के लिए कुछ पैरामीटर्स भी पास ऑन कराने हैं, और इसके अलावा मैं इसके अंदर एक अटेंडेंस लाइक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये किस तरीके से काम करेगा। तो सपोज कीजिए कि इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पर 1/1/2020 करके एक डेट डाल दीजिए। उसके बाद गाइस यहाँ पर टेक्स्ट करके एक फॉर्मूला है, क्योंकि कुछ फॉर्मूलाज ऐसे हैं कि जिन लोगों को ऑलरेडी पता है उनके लिए तो ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है तो गाइस मेरे सारे वीडियोस देखिए, उसके अंदर एक एक चीज को एक्सप्लेन किया गया है कि कौन सा फॉर्मूला किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर मैं इस टेक्स्ट फॉर्मूला के थ्रू यहाँ पर ईयर नेम उठाना चाहता हूँ। तो देखिए ये इसका सिंटेक्स क्या कहता है, वैल्यू फॉर्मेट टेक्स्ट। तो वैल्यू मेरी ये है, फॉर्मेट टेक्स्ट के अंदर मुझे यहाँ पर मंथ उठाना है, तो मैंने बोल दिया 3 बार MMM apostrophe then YY, एंड इसको मैं इस तरीके से करके जैसे बंद करता हूं तो ये मेरे को Jan 20 करके यहां पर दे देता है। अब हम आगे का काम कर सकते हैं। आगे के काम के लिए क्या है, ध्यान दीजिएगा कि इसमें किस तरीके से करेगा। तो मैंने इक्वल टू का साइन देके इस सेल का रेफरेंस दे दिया और इसको मैंने एब्सोल्यूट बना दिया, फिक्स कर दिया, एंटर। अब मैं फिर एक इक्वल टू का साइन दूंगा और इसका रेफरेंस देके इसमें एक प्लस करा दूंगा। इसको प्लस कराने के बाद अब आप इसको जहां तक की आपका ईयर एंड हो रहा है वहां तक का इसको ले जाके फॉर्मूले को राइट की तरफ को ड्रैग कर दीजिए। देखिए 28 अगस्त तक का भी तक की डेटा आया है, तो इसको मैं और देख लेता हूँ कि कहाँ तक की ये डेटा जाता है, एक्सपेंड कीजिए इसको। तो 1/12/2020 डेट्स के साथ मेरे डे भी नजर आने लग जाए कि ये डे क्या क्या है। तो मैं फिर यहाँ पर एक टेक्स्ट का फॉर्मूला यूज करूंगा, दिस टाइम आई विल गिव द रेफरेंस ऑफ ये नीचे वाली जो डेट है इसका, क्योंकि मेरा डेटा हॉरिजॉन्टल है तो मैं इसके रो को फिक्स करूंगा तो बीच में डॉलर आ गया। इसके बाद मैं यहाँ पर 3 times D लिख के एंटर मारता हूँ, तो ये मेरे 1/1/2020 को बैक डे था। अब आप इसको पकड़ के इस तरीके से ट्रैक कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसको इस फॉर्मूले को खींचते हैं तो यहाँ पर आपके डे भी निकल के आ गए कि किस तारीख को क्या वार पड़ रहा था। अब इसके बेसिस पर गाइस हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे का देखते हैं। तो डेटा वैलिडेशन में इस टाइम पर मैं बोल देता हूँ, जैसे सपोज कीजिए कि मेरे पास जो चीजें अवेलेबल है ये डेटा वैलिडेशन में मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। जैसे मैंने बोला प्रेजेंट है, अब्सेंट है, सिक लीव, कैजुअल लीव, वीकली ऑफ, देन प्लान्ड लीव, मैटरनिटी लीव एंड कॉम्पेंसेटरी ऑफ एंड देन, चलिए यही रखते हैं हम। तो इस डेटा वैलिडेशन को ये सारा का सारा इसके अंदर किस तरीके से हाईलाइट होगा गाइस, तो एक काम करते हैं। सपोज कीजिए कि मुझे ये डेटा इसके अंदर अप्लाई करना है, तो मैं किस तरीके से करूँगा, मैं यहाँ से सबसे नीचे आया। इसके लिए आपको ये सारी रेंज जहाँ तक की आपका डेटा है वहाँ तक की ये सारी रेंज आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी, जो थोड़ा सा मैनुअल टास्क है, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन करने के बाद ये वाली जो चीज है। हाँ जी, देखिए ये यहाँ तक सिलेक्ट हो गए।
तो यहां पर जाने के बाद आप डेटा में जाइए, डेटा में जाने के बाद यहां पर ये मेरे पास डेटा वैलिडेशन करके टूल है, इस आइकन के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए, डेटा वैलिडेशन को क्लिक करके लिस्ट पे चले जाइए, लिस्ट पे जाने के सोर्स, और सोर्स में आपके ये जो भी पैरामीटर्स हैं ये इसके अंदर रख दीजिए। ये रखने के बाद आपने जैसे ही ओके किया तो ये क्या है, इसके अंदर आपका जहां पर भी ये डेटा वैलिडेशन अप्लाई हुई होगी वहां पर ये आपका सारा का सारा हाईलाइट हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको लगा सकते हैं। अब मैं इसके अकॉर्डिंग एक और इसके अंदर एक वैलिडेशन चलाना चाहता हूँ, एक मतलब इसके अंदर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना चाहता हूँ। इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर मैं हालांकि मैंने पैरामीटर्स वो नहीं किए लेकिन फिर भी तीन चीजों के ऊपर लगा लेते हैं। जैसे मैंने बोला कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए आप लोग इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाइए, सबसे नीचे मैनेजर रूल पे चले जाइए और ये न्यू रूल, न्यू रूल पे आने के बाद आप इस सेकंड ऑप्शन पे आइए और यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए स्पेसिफिक टेक्स्ट पी। अगर यह अगर यहाँ पर जो भी बंदा पी सिलेक्ट करता है तो पी के केस के अंदर ये क्या करे, इसको ग्रीन कलर का हाईलाइट करके इसके फॉन्ट कलर को ये कर दे वाइट, तो इसका जो प्रीव्यू है वो ऐसा नजर आएगा। ओके, देन मुझे अभी अगले रूल भी लगाने हैं तो मैं डायरेक्टली अप्लाई या ओके नहीं करूंगा, नया रूल लगाऊंगा। नए रूल पे फिर मैं गया, मैंने स्पेसिफिक टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मैंने बोल दिया ए, ए का मतलब एब्सेंट है, और अगर बंदा एब्सेंट होता है तो एब्सेंट के केस के अंदर आप इसको रेड में हाईलाइट करा के इसका फॉन्ट कलर चेंज कर दीजिए वाइट, देन ओके। एंड इसके बाद तीसरा रूल लगाते हैं, तीसरे रूल में भी सेम स्पेसिफिक टेक्स्ट, और यहाँ पर जाके मैंने इसको बोल दिया जैसे सपोज कीजिए कि बंदा वीकली ऑफ पे है, तो वीकली ऑफ के केस के अंदर हम लोग उसको ये बड़ा हल्का सा नीला कलर दे देते हैं। ओके, वीकली ऑफ पे मत लगाइएगा इसके भी, वीकली ऑफ पे मैं आपको एक और नई चीज दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए ये दो पे लेके चलते हैं, बाकी जैसा चलेगा उसको रहने दीजिए, ये प्रेजेंट एंड एब्सेंट पे ही चलते हैं, तो ओके एंड ओके। तो गाइस अब अगर जैसे सपोज कि मैं 1/1/2020 के लिए अटेंडेंस लगाना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं जिस तरीके का पैरामीटर सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि इसके अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग दो पे लगी है, जैसे रोहन बजाज मुझे उस दिन प्रेजेंट था, तो इसको अपने आप ही ग्रीन करेगा और जो भी बंदा एब्सेंट होगा इसको रेड करेगा, ठीक है। तो ये तो इसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस तरीके से काम कर रही है। अब जो अगली जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में लगाने जा रहा हूँ ये थोड़ी सी समझने लायक है। तो देखिए इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोग इस जितना भी डेटा है सारा का सारा डेटा सिलेक्ट कीजिए, जहां तक कि आपका डेटा है। इस डेटा को सिलेक्ट करने के बाद मतलब आपको क्या करना है, ये जो नेम है इन नेम्स को छोड़ के बाकी का सारा डेटा आपने सिलेक्ट करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर आने के बाद ये सारा डेटा सिलेक्ट कर लिया नेम्स को छोड़ के, अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर नेम्स को छोड़ा है मैंने। अब आप यहाँ पर जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके फिर से मैनेज रूल पे जाइए, और मैनेज रूल में जाने के बाद सबसे नीचे यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमिन विच सेल टू फॉर्मेट, इसके अंदर आके आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज कीजिए। देखिए फॉर्मूला क्या है, आपने इक्वल टू का साइन देना है और लिखना है यहाँ पर, और का मतलब होता है या। इसके लिए आपने क्या करना है, जो सबसे पहली सेल होगी इस एम्प्लॉय नेम के बाद जो भी सबसे पहले सेल के ऊपर जो भी डे होगा उस डे के ऊपर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इसके ध्यान देंगे तो दोनों तरफ डॉलर आ रहा है, मुझे इस आगे मुझे इसके बीच में डॉलर रखना है, तो इसके आगे वाले डॉलर को मैंने हटा दिया मैनुअली, और माउस का ही यूज कीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि अगर आप कर्सर का यूज करेंगे तो कर्सर इधर उधर भाग जाएगा, तो वो वाली चीज आप लोग आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगी, सिर्फ इस केस के अंदर आपको माउस का यूज करना है। अब मैंने इसके बीच में डॉलर रख के मैंने इक्वल टू का साइन देके मैंने बोला क्या ये जो C4 पे जो भी मेरी वैल्यू पड़ी है क्या ये सैटरडे है। सेम थिंग मैं फिर से करूंगा, मैंने C4 का फिर से यहाँ पर रेफरेंस लिया इसमें से आगे वाले डॉलर को हटा के, और फिर मैंने यहाँ पर आगे जाके बोल दिया क्या C4 की वैल्यू संडे है, ऐसे डबल कोट्स के अंदर लिखना है आपने दोनों चीजों को। अगर ऐसा होता है तो आपको फॉर्मेट क्या करना है, तो देखिए मैंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो आप फॉर्मेट कीजिए इसको जहां पर भी सैटरडे संडे आता है। मैं एक नई चीज और आपको बताता हूँ, यहाँ पर कुछ पैटर्न कलर भी होते हैं, जैसे सपोज मैंने बोला कि इसका जो पैटर्न कलर है वो इस तरीके से होके इसका पैटर्न कुछ इस तरीके का नजर आए, जैसा भी आपको चाहिए होता है,
तो अभी के लिए मैं जैसे इस तरीके का पैटर्न ले रहता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से हाईलाइट होगा आपका। तो ये करने का मैं इसको ओके ओके एंड देन ओके करता हूँ, तो जहां जहां भी सैटरडे संडे होंगे गाइस, ये अपने आप ही उनको हाईलाइट कर देगा अपने आप ही कि ये वीकली ऑफ है आपके। अब बंदे को मतलब कि ये इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो बड़े आराम से इन सबको पकड़ के एक ही बारे में वीकली ऑफ सिलेक्ट कर सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर वीकली ऑफ लिख दिया, तो इस तरीके से एक ऑटोमेटिकली हम इस चीज को चेक कर सकते हैं कि हाँ जी कहाँ कहाँ मेरे वीकली ऑफ पड़ रहे हैं, बस उसके बेसिस पर आप अपना काम कर सकते हैं। और देखिए ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऐसी नहीं है, जैसे सपोज कि मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर आके इसको अगर मैं मैनुअली जैसे सैटरडे लिख देता हूँ, तो देखिए ये भी यहाँ पर अपने आप ही अप्लाई हो गया। तो डोंट टच दिस, ये जस्ट आपको समझाने के तौर पर था। अब इसके अंदर फ्लक्चुएशन मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि 1/1/2020 जो 20 है उसमें तो आपकी जनवरी पड़ रही है। अब जैसे मैंने बोल दिया कि अगर ये आपका फैब होता है अगर बाई चांस, तो देखिए ऊपर फैब हो गया, अब सैटरडे संडे यहाँ पर आ गया, यानी कि 1/2/2020 को मेरा सैटरडे था। तो अब देख लेते हैं मई आने वाला है, तो देखते हैं कि मई के अंदर मेरा क्या पड़ने वाला है। तो मैं अगर 1/5 कर देता हूँ और एंटर मारता हूँ, तो 1 मई को मेरा गाइस फ्राइडे पड़ेगा और सैटरडे संडे। देखिए ये फ्लक्चुएशन अपने आप ही इसके अंदर वो हाईलाइट करे जा रहा है कि वीकली ऑफ जहां जहां पर इसको मिलेंगे वहां वहां पर ये अपने हिसाब से काम करता जाएगा। तो गाइस इस चीज को आप यूज कीजिए, काफी यूजफुल चीज है। और अगर इनकेस आपको किसी भी तरीके की इसको करने में प्रॉब्लम आती है, तो नीचे कॉमेंट बॉक्स पे अपना कॉमेंट जरूर लिखिएगा, ताकि मैं उसको देखूँ और देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग गैप कहाँ पर है। वैसे तो आपको इस वीडियो को देख के ही समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इस चीज को अप्लाई किया गया। तो इसको यूज कीजिए अपने ऑफिस में, अपने अपने लर्निंग के तौर पर। आई एम श्योर कि आप इस चीज से कर पाएंगे, लर्न कर पाएंगे इस चीज को। तो इसी तरीके से और भी मेरे पास कई सारे टॉपिक हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर इन केस अगर आपको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स पे अपना वैल्यूएबल कमेंट छोड़ना ना भूलिएगा। गाइस आज के लिए इस टॉपिक में बस यही था, इस चीज को ट्राई कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।